क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3+2√2 रेशियो 3-2√2। तो देखिए दो नंबर के लिए कहा गया, मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी ए एंड बी, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, कि वो दो नंबर ए और बी हैं जिनका सम ज्योमेट्रिक मीन का सिक्स टाइम्स है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है उन दोनों का सम, तो ए और बी, तो इन दोनों का सम हो गया। ये जो सम है ना ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमारे कोई दो नंबर ए और बी होते ना तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो होता वो अंडर रूट ए भी हो जाता, ठीक। तो इधर की तरफ मैंने उनका ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया ए बी, तो सम जो है ना वो इसका सिक्स टाइम्स है, ये सिक्स टाइम्स है, तो मैं इधर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया, ये सिक्स टाइम्स था तो मैं इधर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और हमें जो बताना ना इन दोनों नंबर का रेशियो बताना, मतलब ए आर अपॉन में बी बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं ए और बी को फाइंड कर लेता हूं, तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन तो ये है ए प्लस बी के टर्म में, है ना, और दूसरी में ए माइनस बी भी फाइंड कर सकता हूं यहां से, ठीक। किस तरह से, तो ए और बी देखिए, पहले तो इक्वेशन नंबर वन हो गई, ठीक। ए और बी को, ए और बी फाइंड करने के लिए मैं ए माइनस बी फाइंड करा जाएगा, तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं इस वाले इक्वेशन का, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू, किधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा देखिए सिक्स अंडर रूट ए बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर 36, और ए बी हमारा ऐसा कैसे रह जाएगा, अंडर रूट ए बी था उसका स्क्वायर ए बी बचा सिर्फ, ये टू ए बी हमारा राइट में चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 34 ए बी बचा भाई, ये टू ए बी इधर गया राइट में माइनस का हो गया, ठीक है ना, माइनस का टू ए बी होते कितना बचा 34 ए बी, ठीक है ना। ये आ गई हमारी कंडीशन, ठीक। देखिए इस वाले टर्म को ना, ये वाला टर्म था ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और मुझे इसमें ए माइनस बी बनाना है, मुझे इस तरह से ए माइनस बी के टर्म में बदलना है। अगर मैं इधर माइनस का टू ए बी लिख देता हूं ना तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाले साइड, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट टू ए बी ऑन बोथ साइड्स। अगर मैंने इस वाले टर्म में माइनस का टू ए बी किया है तो भाई मैं इधर भी माइनस का टू ए बी करूंगा, तो दोनों साइड हमारे इक्वल रही। मैंने सिर्फ माइनस का टू ए बी इस वजह से किया क्योंकि ये वाला टर्म ना हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये वाला टर्म। अब देखिए इधर कितना बचा हमारा 32 और ए बी बच गया, बचा नहीं बचा 34 माइनस टू कर दिया 32 बच गया। ये वाला जो स्क्वायर था इधर अंडर रूट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और अंडर रूट चढ़ जाएगा 32 और ए बी पर, ठीक है ना। 32 के फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 16/8, 4, 2, 1, तो पेयर बन रहे हैं सिर्फ दो, तो इसमें 2 2 जा 4 हो जाएगा अंडर रूट 2, तो 32 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। और ये वाला जो हमारा ए बी है ना, ये भी हमारा अंडर रूट में ऐसे रहेगा ए बी, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। सबसे पहले मैं ए प्लस बी पता था, अब मुझे जो ना ए माइनस बी फाइंड करना था, तो सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया था, इधर 36 ए बी हो गया था, ये वाला प्लस का टू ए बी इधर गया माइनस में हो गया तो 34 ए बी बचा था। अब देखिए इस वाले टर्म को a माइनस बी बनाने के लिए ना मैंने दोनों तरफ माइनस का 2ab कर दिया, देखिए ये वाला जो टर्म बचा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया था। a प्लस बी तो मुझे पता था, a माइनस बी फाइंड करना था मुझे। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं ना तो a निकल जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए a प्लस बी तो हमारा था 6 अंडर रूट ab, इस तरह से ये
ये वाला जो टर्म था ना ये था a माइनस बी फोर अंडर रूट टू और अंडर रूट के अंदर है ये भी इस तरह से है नहीं है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं है ना, तो ये वाला b से b टर्म हमारा हट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, कितना बचेगा से 2a, और 2a कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट ए बी प्लस 4 अंडर रूट 2 और ए बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस तरह से ठीक। अब आप बड़े ध्यान से देखें, यहां हमारा 2 था तो इस वाले टर्म्स में ना मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो मैं जब 2 कॉमन लूंगा ना यहां अंडर रूट में भी था ए बी, एक तो 2 कॉमन ले रहे हैं और एक अंडर रूट ए बी कॉमन ले रहे हैं इस तरह से, तो यहां बचेगा देखिए 2 3 जा 6 अंडर रूट ए बी भी कॉमन आ गया प्लस 2 यहां से कॉमन ले तो 2 अंडर रूट 2 बचा इस तरह से, 2 ए बी 2 ए यहां तक तो 2 से 2 हट जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में 3 प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है ना, ये ए की वैल्यू आ गई ठीक। अब मैं ना 1 में से अगर 2 को माइनस कर देता हूं तो बी आ जाएगा हमारा, देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, ठीक है ना, और यहां हमारा ए माइनस बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट में ए बी, ये ऐसे थे हमारे ना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया तो माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करते ना तो हम नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएंगे, इस बार बी और बी ऐड हो जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 बी हो जाएगा ठीक। ये वाले टर्म हमारे ऐसे कैसे रह जाएंगे 6 अंडर रूट ए बी माइनस 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट में ए बी इस तरह से ठीक। अब देखिए ये 2 बी हमारा ऐसे रहा, इन दोनों टर्म्स में ना हमने 2 कॉमन लिया और अंडर रूट ए बी भी कॉमन ले लिया ठीक। तो देखिए 2 3 जा 6 माइनस अंडर रूट ए बी तो बाहर चला गया, 2 2 जा 4 और अंडर रूट 2 और यहां ए बी भी बाहर चला गया अंडर रूट का, इस 2 से 2 हट गया, बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। हमसे तो ए और बी का रेशियो कहा गया था कि शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, तो ये हमें इन दोनों नंबर का रेशियो फाइंड करना था, तो सो ए और बी वो दो नंबर थे इन दोनों का रेशियो फाइंड करना, तो ए हमारा कितना आया था ये रहा अंडर रूट ए बी ब्रैकेट में था 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन में बी की जगह आ जाएगा अंडर रूट ए बी और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट ए बी से अंडर रूट ए बी कट जाएगा, तो भाई ये वाला जो रेशियो बचा ना ये बचा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और रेशियो कितना बचा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और यही हमें प्रूफ करना था कि रेशियो ये दिखाइए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया इफ ए एंड जी बी द एम एंड जी एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स देन प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी। देखिए दो नंबर हमारे कोई दिए हुए हैं, उसका एम तो कैपिटल ए है और जी मतलब जो जी एम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन ठीक। तो मैं पहले नंबर लेट कर रहा हूं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, तो भाई बस दो नंबर जो है ना वो ये है ठीक है ना, जिसका एरिथमेटिक मीन तो कैपिटल ए है और जिसका ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या है कैपिटल जी है। तब हमें बताना कि वे जो नंबर है ना वो ये है, मतलब ए जो है वो तो ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी है ठीक है ना, और बी जो है ना वो ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, ये दो नंबर हमारे प्लस माइनस में, तो एक नंबर तो ये है एक नंबर ये हमें प्रूफ करना है ठीक। तो देखिए अगर किस कोई दो नंबर अगर हमारे में दिए होते ना ए एंड बी तो उनका एरिथमेटिक मीन जो फाइंड होता वो होता ए प्लस बी अपॉन में 2, इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए अपॉन में 2 कर दीजिए तो वो उसका एरिथमेटिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना किसी दो नंबर का, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए और उस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए तो वो उनका क्या हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना दो पॉजिटिव नंबर का एम कैपिटल ए है, तो भैया ये नंबर थे इन दोनों का एरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 और वो किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल ए के इक्वल हो जाएगा। ए और बी का एरिथमेटिक मीन ये हो गया, किसके इक्वल हो गया कैपिटल ए के इक्वल हो गया, तो यहां से हमें पता चला कि भैया ए प्लस बी जो है ना वो 2a है
इक्वेशन नंबर वन मान ली मैंने इसको, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन कहा गया था, तो ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ए बी, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट ए बी, और वो किसके इक्वल है, कैपिटल जी के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो देखिए ए बी जो हो जाएगा ना वो जी स्क्वायर के इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर टू, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ना हमारी एक इक्वेशन ए प्लस बी है, वो इक्वल टू टू ए है, ठीक है ना। तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, अगर हमारा ए प्लस बी इक्वल टू टू ए है, अगर मैं किसी तरह से ए माइनस बी फाइंड कर लू ना, वो कुछ होगा समथिंग जो भी, तो इस तरह से हम उसे ना सॉल्व करके ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे बी से बी कट जाएगा तो टू ए हो जाएगा, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर हमारा यहाँ इस तरह से हो जाएगा, तो ए कट जाएगा तो बी पता चल जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, ठीक है ना। और वो ए और बी हमें फाइंड करना है, तो ए प्लस बी तो हमें पता है, मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक। तो a और a माइनस बी हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, बड़े ध्यान से देखना है। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक। तो a माइनस बी को मैं इन वाले टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे जो वैल्यू पता है वो a प्लस बी की पता है और a भी पता है। तो ये जो होता है ना हमारा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना। तो मैं इसे अगर इन टर्म्स में बदलूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का अगर मैं इसे 4ab भी लिख दूं ना, तो अब तुम देखिए ये इसी के इक्वल हो जाएगा। मैं इसे रफली आपको करके दिखा रहा हूं, देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का 4ab कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, और इनडायरेक्टली ये देखिए दोनों टर्म दोनों इक्वल है। तो मैं इस वाले टर्म को ना अगर a प्लस बी और ए बी के टर्म में लिखना चाहूंगा तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं, आ रही है बात समझ में, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, ठीक। इन टर्म्स में इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है, a b की वैल्यू पता है, तो इस वजह से मैंने a माइनस बी फाइंड करने के लिए इस टर्म्स में इन्हें कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस a प्लस बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 2a, तो ये हो जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर माइनस 4 हमारा ऐसे ही रहा। इस सिर्फ ए बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ जी स्क्वायर, तो देखिए 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, यहां बचा a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर, यहां हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से ही है लेफ्ट में, ठीक। ये वाला स्क्वायर जो था राइट साइड में चला जाएगा, किस पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4a a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक। 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट चढ़ा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया, तो a प्लस जी हो जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस जी इस तरह से। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी a माइनस बी की, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3। मैंने अभी आपसे बताया था ना कि a प्लस बी तो मैंने हमें दे रखा था, और a माइनस बी की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं, तो फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी, a माइनस 2 कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, देखिए यहां प्लस का भी है माइनस का भी, ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो लिख रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में हमारा ये था a प्लस बी जो था ना वो 2a के इक्वल था, और यहां से a माइनस बी जो है वो 2 और अंडर रूट के अंदर है a प्लस जी a माइनस जी के इक्वल है, ठीक। लाइन खींच दी, इन दोनों को ऐड करना, तो देखिए b से b कट जाएगा, तो सिर्फ हमारा a वाले टर्म बचे, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये दो जो दो टर्म थे ना इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया 2a प्लस 2 और अंडर रूट में a प्लस जी a माइनस जी। अब दोनों टर्म में ना हमारा 2 कॉमन है और इधर हमारा पहले से 2a, तो 2 कॉमन लेते हैं ना, इधर बचेगा हमारा a प्लस अंडर रूट के अंदर a प्लस जी और a माइनस जी, इस 2 से 2 हट जाएगा, तो सिर्फ a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये वाली आ गई a प्लस अंडर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी। मैंने यही बताया था कि शुरू में कि हमें जो नंबर प्रूफ करना वो ये प्रूफ करना है, पहला वाला नंबर तो हमारा ये आ गया, ठीक। अब जो ना इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा b फाइंड हो जाएगा, लिख रहे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन वन हमारी ये है a प्लस बी इक्वल टू टू ए, सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू ये रहा टू अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी इस तरह से। ठीक, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया तो नीचे वाली इक्वेशन के ना सभी साइन बदल जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब a प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये b और ये b कितना हो जाएगा 2b, इन वाले टर्म्स में से ये वाला टर्म माइनस हो रहा है, देखो a प्लस जी a माइनस जी। ठीक, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, a माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी इस तरह से, 2 से 2 हट जाएगा, देखिए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में a प्लस जी और a माइनस जी। ये हमें प्रूफ करना था कि नंबर हमें जो दिखाने थे ना वो दिखाने थे a प्लस माइनस, तो एक तो प्लस में आना चाहिए बीच में और एक बीच में माइनस आना चाहिए, तो a हमारा ये हो गया था, ये मैंने बताया था आपको ना, b हमारा ये वाला नंबर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 22nd आवर फोर्थ आवर एंड nth आवर, कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 4 घंटे बाद कितने होंगे और n घंटे बाद कितने होंगे। देखिए बैक्टीरिया जो हो रहे हैं ना हर घंटे बाद डबल हो रहे हैं, ठीक है ना, डबल होने का मतलब ये कि जैसे शुरू में हमारे कितने थे 30 थे, तो 30 के बाद पहले घंटे बाद कितने हो जाएंगे, एक घंटे बाद कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, डबल हो रहे हैं, फिर 120 हो जाएंगे। तो आप देखिए ये वाली जो हमारी सीरीज बनेगी ना जीपी बनेगी, ठीक है ना, जब हमारे बैक्टीरिया हमारे डबल होते चले जाते डबल होते चले जाते हैं, या पैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिए मनी और वो हर साल बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं डबल हो रहे हैं डबल हो रहे हैं, तो इस तरह की हमारी जो सीरीज बनती क्या बनती जीपी बनती है। तो लिख रहे सिंस बैक्टीरिया, सिंस बैक्टीरिया डबल्स एट द एंड ऑफ एवरी आवर, कि भैया हर एक घंटे बाद ना वो डबल हो रहे हैं, सो दिस मेक्स दिस फॉर्म्स ए जीपी, तो ये मिलके बाद क्या बनाएंगे एक जीपी बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे जैसे 30 थे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग टर्म हो जाएगा, हियर सबसे पहले जो प्रेजेंट थे ना बैक्टीरिया वो 30 थे, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा पहला टर्म 30, ठीक है ना। तो देखिए 2 घंटे बाद पूछे तो इसके बाद 1 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा 30, है ना, मैंने मान लिया कि भाई वो पहला टर्म हमारा A1 होता है, किस जीपे का A2 A3 A4 A5 इस तरह से होते हैं, तो ये तो हमारा 30 हो गया। 1 घंटे बाद जो ना देखिए ये वाले हो जाएगा टर्म, 2 घंटे बाद ये हो जाएगा, तो मुझे 2 घंटे बाद फाइंड करना है बैक्टीरिया, तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है A3 फाइंड करना है, ठीक है ना, 2 घंटे बाद फाइंड करना तो A3 फाइंड करना है, फोर्थ आवर के बाद फाइंड करना है तो A5 फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख रहे हैं बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, तो 2 घंटे बाद जो हो जाएंगे ना तो वो हो जाएंगे हमारे AR की पावर 2, क्योंकि भाई इसे तो पहले वाले टर्म को हम तो लिखते A, सेकेंड वाले टर्म को लिखते AR, थर्ड वाले टर्म को लिखते AR की पावर 2, फोर्थ टर्म को लिखते AR की पावर 3, फिफ्थ टर्म को लिखते AR की पावर 4, ठीक, तो AR की पावर 2 हो जाएंगे 2 घंटे बाद बैक्टीरिया, तो A हमारा कितना है 30, और बैक्टीरिया हर घंटे बाद डबल हो रहे थे, इसका मतलब यह कि R जो है ना वो 2 है, क्योंकि डबल होते जा रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक, जैसे मैंने भी बताया था 60/30 कर दीजिए 2 आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम 2 की पावर 2, 30 × 4 तो 120 हो जाएंगे बैक्टीरिया 2 घंटे बाद, ठीक। अब लिख रहे हैं बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, भाई 4 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, वो है हमारा A5, तो वो किससे फाइंड होगा AR की पावर 4, इस तरह से A की जगह 30, R है हमारा 2 की पावर 4, 30 × 2 की पावर 4 होता 16, ये हो जाएगा हमारा 480, ठीक। n घंटे बाद n आवर्स बाद, तो देखिए बेसिकली बैक्टीरिया आफ्टर n आवर्स,
देखिए 4 आवर्स था तो पावर 4 थी, एन आवर्स की बात करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। ए हमारा 30 था, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, ठीक है ना। 2 की पावर एन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वेक्टर ऐसे में हमारे यही लिखे जाएंगे, ठीक है ना, कि भैया ये हो जाएगा हमारा 30 × 2 की पावर n, कि n घंटे बाद ना हमारे बैक्टीरिया 30 × 2 की पावर n हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 इयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। p हमारा होता है प्रिंसिपल, जो यहां पे दिया हुआ 500, 1 प्लस r हमारा होता है रेट और अपॉन 100, ये होता है n जो होता है ना, ये कहते हैं इस टाइम, तो टाइम हमारा देखते हैं 10 इयर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जो ना इसमें हमारा जो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, तो वो तो यहां पे क्या है, a 500 है, ठीक है ना। सबसे शुरू में जो ना 500 रुपीज ने जमा कर दो, पहला टर्म हो गया, ठीक। तो लिख रहे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद जो इसका अमाउंट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला होता है ना, पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो n हमारा क्या, 1 ईयर, तो यहां कितना हो जाएगा 500, पी प्रिंसिपल होता है ना, शुरू में मैंने अमाउंट जमा करा था वो, 1 प्लस r की जगह कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि हमसे टाइम का आ गया 1 साल। तो ये हो जाएगा 500, 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 और इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 500, 1.1, इन दोनों को ऐड कर दे, इसकी पावर 1, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि 1 साल बाद हमारा जो अमाउंट हो जाएगा ना, वो इतना हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, फॉर्मूला यही रहेगा, तो 500 और 1 प्लस r की जगह 100 अपॉन 10 अपॉन 100 और पावर कितनी हो जाएगी 2, इस बार टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 500, 0 0 कैंसिल, फिर दोबारा से 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, 500 और ये हो जाएगा हमारा 1.1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं 1 ईयर बाद फाइंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1.1 की पावर कितनी रहती है 1, 2 ईयर्स बाद अमाउंट हमारा पावर 2 हो जाता। इसी तरह से सिमिलरली अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद जो अमाउंट होगा ना, हमसे कहा गया था अमाउंट इन 10 ईयर्स, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा 500, 1.1 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, इतने रुपीस अमाउंट हो जाएगा 10 इयर्स बाद। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, इफ एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है ना, और हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी पावर 2 जिसकी होती है ना, तो वो हमारी क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इक्वल टू मेरे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। तो इसके देखिए जितनी बड़ी पावर होती है ना, उतने ही हमारे उसके रूट निकल के आते हैं। तो इस पावर, इस वाली इक्वेशन के हमारे 2 रूट निकल के आएंगे। तो सबसे पहले मैं रूट ही लेट कर रहा हूं, मैंने माना लेट a एंड b आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। सो पता, अगर हमारी रूट्स ये दोनों है ना, तो हमारी इक्वेशन पता क्या होती है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं फाइंड करना है, तो वो होती है हमारी x² - और यहां होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, देखिए रूट्स हमारे क्या है, a और b, तो मैं उसे लिख दूंगा a + b, भाई उन दोनों का सम a + b हो जाएगा ना, और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x से प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हो जाएगा a × b और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, है ना। इक्वेशन 1 मान ली मैंने, ये मैं फाइंड करनी है, मुझे भी नहीं पता a और b क्या है, a + b क्या है, a × b, वो हमें कहां से फाइंड करना पड़ेगा, यहां से पहली वाली लाइन से, कि एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, वो रूट्स का
वो 8 एंड 5 है, मतलब 8 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन, अगर दो नंबर हमें ए एंड बी दे रखे हैं ना, उनका एरिथमेटिक मीन दो देता हूं, उन दोनों का सम अपॉन में 2 कर दीजिए, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो इन दोनों का एरिथमेटिक मीन तो 8 है, तो इसका मतलब ये तो 8 के इक्वल है, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना है 5, तो ये इसके इक्वल है। अरे ये बात समझ में, एरिथमेटिक मीन ये है किनका, रूट्स का, और ज्योमेट्रिक मीन रूट्स का क्या है, वो है हमारा 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिथमेटिक मीन तो वो हो जाएगा ए और बी का ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 8। ठीक, सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बस यही फाइंड करना है, ए प्लस बी की वैल्यू में यहां पे 16 पुट कर देंगे। ठीक, एंड ज्योमेट्रिक मीन कहा गया था ए और बी का, तो वो होता है ज्योमेट्रिक मीन ए बी का, ए बी का मल्टीप्लीकेशन और अंडर रूट में, अब वो किसके इक्वल है, 5 के। अब देखिए मैं अगर ए बी फाइंड करूंगा ना, तो ये मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो अंडर रूट तो इधर हट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारी पता क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 16 एक्स प्लस का 25, इसकी जगह 25 पुट कर दे, इक्वल टू में 0, ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आ रही बात समझ में, हमसे कहा गया था कि इस इक्वेशंस के जो दो रूट है ना, हमने वो मान लिए ए और बी है, तो इन ए और बी का एरिथमेटिक मीन तो 8 है, तो ए और बी का एरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2, 8 की कोला गया, तो ए प्लस बी 16 हो गया। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का वो ये हो जाएगा 5, वो 5 दे रखा था, तो ए इंटू बी हमारा 25 हो गया था। तो हमारी इक्वेशन जो होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने 10th में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इक्वल टू में 0, तो ये ए प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर दी, ए इंटू बी की वैल्यू यहां पुट कर दी, हमारी क्या आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।